अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे हम पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, मैंने आधा कप पानी ले ली हूँ और एक चम्मच इसमें शक्कर डाल दी हूँ और एक चम्मच इसमें ड्राई यीस्ट डाल देंगे हम। और यह हल्का गुनगुना सा पानी है। और यहाँ पे देखिए, इनको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा ले ली हूँ और यहाँ पे इनको छान लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा नमक इसमें ले लेंगे और अभी इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। 1 से 1.5 चम्मच के करीब इसमें तेल डाल देंगे। आप चाहिए तो बटर भी इसमें ले सकते। अब जो देखिए, ये जो हमने खमीर भिगाने डाले थे, ये अच्छे से इसमें खमीर आ गई है, तो ये इसमें डालेंगे। अभी पानी की ज़रूरत लगेगी तो पानी भी हम इसमें ले लेंगे। फ़िलहाल तो हम पहले इसी में हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, अभी यहाँ पानी की मेरे को ज़रूरत लग रही, तो ये कप के हिसाब से मैंने यीस्ट में 1/2 कप पानी डाली थी और अभी यही कप एक मैंने भर के रखी हूँ। अब देखेंगे कितना पानी लगता। अब यहाँ पे देखिए, आटा अच्छे से हमारा गुन गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगा के हाथों से थोड़ा सा इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, इसको रख देंगे रेस्ट के लिए 1-1.5 घंटे के लिए। अब बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है, तो थोड़ा वक्त ले लेगा ये खमीर आने। अब देखिए, यही कप के नाप से मैंने 1/2 कप मैंने यीस्ट में भिगाने डाली थी और 1/2 कप मेरे को यहाँ लगा गुनने। तो अब चलिए जी, यहाँ पे देखिए 1 घंटे के बाद मैं देख रही हूँ तो इसमें खमीर आई है, पर ज़्यादा जितना फूलना चाहिए था उतना नहीं फूली है ये, क्योंकि मौसम ठंडा है। अब यहाँ देखिए, एक बार इनको अच्छे से गून लेते हैं हल्के हाथों से। और यहाँ पे इनके अभी हम लोया काट लेंगे, तो एक बार मिक्स कर ले अच्छी तरह से इनको एक। और यहाँ पे अभी इनकी लोया हम कट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, आप चाकू से या काई से भी आप इनकी लोया को कट कर ले। अब यहाँ पे 6 लोया मैं बना लेती हूँ, लेकिन इसमें से मैं थोड़ा और ले लूँगी क्योंकि थोड़ी सी मोटी रखेंगे हम। अब इसमें थोड़ा और ले ली है, देखिए मैंने, और इनको अच्छे से अब बेल लेंगे। थोड़ा सा मैंने मैदा डाल दी हूँ और इसकी एक रोटी बना लेते। वो सिंपल है, फटाफट से बन जाती है। घर में बनाइए पिज़्ज़ा, आसानी से बन जाती है। अब यहाँ देखिए, एक प्लेट ले ली हूँ, इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दी हूँ मैं, और ये यहाँ पे रोटी जो हमने बेल के रखे थे ये इसमें डालेंगे और हाथों से थोड़ा सा फैला लेंगे। अब आपने बड़ी रोटी लेना है लोई, तो मोटा करना है तो आप मोटी ले लोई। अब यहाँ पे देखिए, हम 1 चम्मच के से इसमें थोड़ा सा छेद कर लेते हैं और यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें लगा लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे। और अब यहाँ पे ये देखिए, चिकन में थोड़ा सा बॉईल कर ली हूँ, पक गई है, मसाला लगा के थोड़ा सा इनको पका ली हूँ मैंने। अब चिकन रख लेते हैं। अगर आपको चिकन नहीं पसंद है, नहीं डालना चाहते, तो आप खाली सिर्फ चीज़ वेज डाल के ही आप बना सकते हैं, बहुत अच्छे से वो भी पिज़्ज़ा बनता है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाली हूँ मैंने। अब इसके ऊपर मोज़रेला भी डाल देती हूँ, बाकी आप दोनों में से जो भी पसंद करते हैं वो ले ले, या दोनों भी डाल दे, अच्छा लगेगा। घर में बना रहे, भर भर के पिज़्ज़ा डाली है, चीज़ डाली है इसमें, हम घर में बनाए थे, तो कैसे भी बना सकते, जो अपने मनपसंद है सब्ज़ी चिकन हम वो डाल के बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने रेड वाली शिमला मिर्च और ग्रीन वाली ले ली हूँ, और यहाँ पे थोड़े से प्याज भी हम रख लेंगे इसके ऊपर। और अब यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा प्याज रखे बाद इसमें थोड़ी सी मैं ना मिर्ची भी रखूँगी, क्योंकि मिर्ची से बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। अब यहाँ पे बॉईल करा हुआ मैं कॉर्न भी डाल देती हूँ। अब ये देखिए, ये जो मिर्ची है जिसमें हम फ्राई करते, ये मिर्चियों को गोल गोल कट कर ली हूँ, इससे तीखापन आता है और बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनता है। अब देखिए, कढ़ाई मैंने रखी हूँ गर्म करने, और ये नमक इसमें डाल लूँगी, ये मैंने 3-4 बार यूज़ करी हूँ नमक। आप देखिए, इसमें एक कोई भी छन्नी रख ले और ये प्लेट को रख ले पिज़्ज़ा के, और यहाँ पे 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते। शुरुआत के 1-2 मिनट फुल रखेंगे, फिर मीडियम फ्लेम पे इनको छोड़ देते हैं। तो अब ये देखिए, पिज़्ज़ा हमारा पक गया है, क्या चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त से पका हुआ है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ टूथपिक डाल के, देखिए बहुत अच्छे से ये पक चुका है। तो अभी गैस को बंद करेंगे, बंद नहीं करेंगे, और एक पिज़्ज़ा हम आपको दिखाते बना के। तो यहाँ पे देखिए, इनको बढ़िया आराम से निकालिए, आप कढ़ाई गर्म है बहुत, एकदम इत्मीनान से निकालिए, हाथों को बचाइए। अब यहाँ निकाले बाद ये देखिए, दूसरा भी मैंने प्लेट इसमें रख ली हूँ। तो चलते जी, दो पिज़्ज़ा को हम आपको कट करके दिखाते, बहुत टेस्टी सी बनी थी पिज़्ज़ा। आप एक बार इस तरीके से बनाइए। अगर हमारा पिज़्ज़ा बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा रहेगा तो चैनल को एक लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अब यहाँ पे देखिए, प्लेट में से ये जो हमने कॉर्नफ्लोर डाले, तो ये प्लेट में से निकलने के लिए बड़ी आसानी होती है, देखिए ज़रा भी प्लेट में नहीं चिपका है। और अब यहाँ पे इनको हम कट कर लेते हैं। तो देखिए, यूँ इस तरीके से कट करिए, बच्चे बड़े इसको बहुत पसंद करते खाने।
तो आप बनाइए इस तरीके से, बच्चों को खिलाइए, चीज़ डालिए, वेज डालिए, चिकन डालिए, आपकी मर्ज़ी जैसी वैसे आप बनाइए, बहुत फटाफट से बनती है। अब देखिए मैं आपको इस तरीके से कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए टमाटो केचप डालिए और जी भर के इसे खाइए, बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए और तारीफ़ें ही इंशाल्लाह आपको मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगी रहेगी हमारी तो आगे भी शेयर किया करिए। ये देखिए नीचे से भी अच्छे से सेके गई है ना, पक गई है ये, तो आप भी आप बनाइए इसको। और यहाँ देखिए मैं केचप भी इसके ऊपर डाल देती हूँ, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसे, तो इस तरीके से बनाइए। मैं बना रही थी तो मेरे बच्चे तो परेशान कर रहे थे, जल्दी दो जल्दी दो, तो देखिए बहुत झटपट से बना डाले हमने बिना ओवन की। तो इस तरीके से बनाइए, आसानी रेसिपी है। तो चलिए जी, आपका बहुत सा आप ख्याल रखना और हमें भी दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।